हेलो दोस्तों, दिस इज जमान और आप देख रहे हो माय ओपिनियन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, एक यूट्यूब का बहुत ही बड़ा न्यूज, एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर आपने अभी अभी अपना चैनल यूट्यूब में शुरू किया है तो आपको ये वीडियो देखना ही है। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स अपनी क्रिएटिविटी को डिस्प्ले करते हैं, अपने क्रिएशन को वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ओरिजिनल क्रिएटर्स को एक मौका देता है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने का। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना क्रिएशन आप दिखा के वहाँ से आप अर्न भी कर सकते हैं। अब YouTube में ऐसे फुल टाइम यूट्यूबर्स हैं जिसकी फुल टाइम अर्निंग YouTube से ही चलती है। और YouTube में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट को चुरा के वो अपने चैनल में डाल के वो उस किसी और के ओरिजिनल कंटेंट से वो पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे भी फेक चैनल्स हैं, फेक लोग हैं जिसकी वजह से ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को नुकसान हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए YouTube ने एक नया अपडेट लेके आया है, एक नया पॉलिसी लेके आया है। इस अपडेट के मुताबिक, इस न्यूज के मुताबिक, जब तक आपके चैनल में, YouTube चैनल में 10,000 लाइफ टाइम व्यूज नहीं आ जाते, तब तक आपकी कोई भी वीडियोस पे एड्स को सर्व नहीं किया जाएगा। इसका मतलब, जब तक आपके चैनल में लाइफ टाइम 10,000 व्यूज नहीं आ जाते, तब तक आप कोई भी वीडियो से आप अर्निंग नहीं कर सकते। अगर आपका अर्निंग करना है तो आपके चैनल में लाइफ टाइम 10,000 व्यूज आना जरूरी है, तभी आपके वीडियोस पे एड्स को डिस्प्ले किए जाएंगे, एड्स को सर्व किए जाएंगे और वहां से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपके यूट्यूब चैनल पे लाइफ टाइम 10,000 व्यूज आ जाती हैं, तो आप यूट्यूब अर्निंग या फिर यूट्यूब मोनेटाइजेशन प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, यूट्यूब का एक टीम आपके पूरे चैनल को स्कैन करेगा, रिव्यू करेगा, आपके सारे वीडियोस को देखेगा। अगर आप यूट्यूब के कोई भी पॉलिसीज को ब्रेक नहीं कर रहे हैं या कोई भी कॉपीराइट इश्यूज को आप ये नहीं कर रहे हैं, तो आपका चैनल एकदम क्लीन है और आपका कंटेंट आपका ओरिजिनल है, तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब मोनेटाइजेशन प्रोग्राम में वो ले लेंगे और आपके वीडियोस पे एड्स को सर्व कर देंगे और वहां से आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। ये यूट्यूब का अपडेट या ये नया पॉलिसी जो है वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए। जैसे कि एक पुराने यूट्यूबर जिसके ऑलरेडी व्यूज हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस हैं उनके लिए विन सिचुएशन इसलिए है क्योंकि उनका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो कॉपी नहीं होगा, वो अनएथिकली दूसरी जगह यूज नहीं होगा। नए यूट्यूबर्स जो अपना चैनल अभी अभी शुरू किया, उनके लिए विन सिचुएशन इसलिए है कि उनके लिए एक फेयर कॉम्पिटिशन अब होगा। अगर आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हैं, आपका कंटेंट ओरिजिनल है, तो आपको व्यूज मिलेंगे, लोग आपके चैनल को पसंद करेंगे, आपके वीडियोस को पसंद करेंगे और आप सस्टेन होंगे। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। दोस्तों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा है और अच्छा लगा है, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये YouTube का अपडेट कितना अच्छा है, कितने फायदेमंद है पुराने यूट्यूबर्स और नए यूट्यूबर्स को। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली फ्री है। थैंक यू।